हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट, तो अभी हम लोग फिजिक्स की एससी और मॉड एनसीईआरटी के बाद वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और डिमांडिंग फिजिक्स गैलेक्सी बाय आशीष अरोड़ा सर की बुक रिव्यू करने वाले हैं। ये बुक कहाँ तक फिजिक्स कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल है, क्या क्या इसके मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, एक एक करके सारी बातों को देखेंगे। तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते स्टूडेंट फिजिक्स गैलेक्सी की बुक रिव्यू। स्टूडेंट, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये बुक जो है जेई मेंस एडवांस और ओलंपियाड फिजिक्स ओलंपियाड इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड को ध्यान में रखकर लिखी गई है। तो सीधा सा बात है कि जो भी स्टूडेंट क्लास 11 12 में पढ़ रहे हैं, जिनका फर्दर आगे कोई जेई मेंस एडवांस वगैरह का कोई प्लानिंग नहीं है, वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये बुक नहीं है। दूसरा, जो भी बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, मतलब जो स्टूडेंट नीट या एम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर फर्दर फ्यूचर में इनका नीट एम्स का प्लानिंग है, वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी ये बुक नहीं है, वैसे स्टूडेंट्स को ये बुक नहीं परचेस करनी है। चलिए, तो अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट जेई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को ये बुक कैसे पढ़नी है। स्टूडेंट, बुक रिव्यू की बात हो रही है, फिजिक्स की बुक रिव्यू की बात हो रही है, तो हमारे पास दो पैरामीटर हैं, थ्योरी और न्यूमेरिकल। पहले थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी अनडाउटेबली बहुत ही अच्छे ढंग से बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की थ्योरी इसमें दी गई है विथ वेरियस एग्जाम्पल्स, तो कहीं से भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप इससे सेल्फ स्टडी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। थ्योरी के हिसाब से आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। न्यूमेरिकल की बात करते हैं स्टूडेंट, तो न्यूमेरिकल फिजिक्स की रेस्ट बुक्स की तरह यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में भी वन ऑप्शन करेक्ट, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, तो कोई परेशानी नहीं है, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा है। सबसे इसका स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट स्टूडेंट इसका ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस का होना है। आशीष अरोड़ा सर ने ओलंपियाड्स के लिए एक अलग सेक्शन, हर चैप्टर में लास्ट में ओलंपियाड्स के लिए एक अलग सेक्शन है जो उसको ध्यान में रखकर वहां पर क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया गया है। ये इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और यूनिक पॉइंट है रीजन कि कोई भी और दूसरी अच्छी किसी भी दूसरी अच्छी बुक में, आपको पता होगा एससी और माय एनसीईआरटी किसी भी बुक में आपको ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस या उसको ध्यान में रखकर कोई भी बुक नहीं लिखी गई है। तो वैसे स्टूडेंट जो जेई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ जिनका फिजिक्स ओलंपियाड का भी प्लानिंग है, वैसे स्टूडेंट के लिए अनडाउटेबली एक लाइन में ये बेस्ट बुक है, आपको कंप्लीटली इस बुक के साथ जाना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? अब स्टूडेंट दूसरे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि मार्केट में एससी और एनसीईआरटी के बाद आज के टाइम में तीन मोस्ट पॉपुलर जो बुक है डीसी पांडे, बीएम शर्मा और फिजिक्स गैलेक्सी। स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि सर किसी एक बुक को सिलेक्ट करना हो तो किसे सिलेक्ट करें। अगेन मेरा सजेशन होगा, ये आपके डिपेंड करेगा आपके सिचुएशन पे, आपके पास टाइम कितना है, आप क्लास 10th से अभी जस्ट पास किए हैं, आप 12th में हैं या पास आउट स्टूडेंट हैं, इन सारी बातों पर डिपेंड करेगा। जैसे एक एक करके क्लियर करते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपने जस्ट अभी क्लास 10th पास किया है, 11th में आपने जस्ट एडमिशन लिया है, तो सिंस चूंकि आपके पास काफ़ी टाइम है, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने और टाइम भी आपके पास काफ़ी है, उस केस में एक लाइन में बीएम शर्मा हम सजेस्ट करेंगे। इवन देन मेरा सजेशन होगा, आपकी लिंक आपको नीचे दिया गया है, बीएम शर्मा और डीसी पांडे की बुक रिव्यू में भी आप एक बार उसको वहाँ पर भी जाकर देख लें। ओवरऑल मेरा जो एट ए ग्लांस फाइनल जो मेरा डिसीजन कहेंगे, तो डिसीजन ये है कि बिगनर है, क्लास 10th आपने पास किया है, 11th में आपने एडमिशन लिया है, तो आपको बीएम शर्मा के साथ जाना चाहिए। अगर आप पास आउट स्टूडेंट हैं, टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है, थ्योरी आपका थोड़ा बहुत पहले से क्लियर है, तो आप डीसी पांडे के साथ जाएं। और अगर आपका सिचुएशन, आपका लेवल इंटरमीडिएट है, जैसे आप या तो 11th पास करने वाले हैं, 12th में आपने अभी जस्ट इंटर किया है, तो उस केस में आपको फिजिक्स गैलेक्सी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ये बुक जो है एक इंटरमीडिएट है, डीसी पांडे और बीएम शर्मा की बीच के लेवल का ये बुक है। थ्योरी भी एक बैलेंस्ड वे में दिया गया है, ऐसा नहीं कि बीएम शर्मा टाइप से बहुत ज़्यादा थ्योरी दे दिया गया है या फिर डीसी पांडे की तरह बहुत ही कम थ्योरी दिया गया है, एक बैलेंस्ड वे में दिया गया है। आपके पास टाइम भी इंटरमीडिएट लेवल का होगा, तो उस केस में आप फिजिक्स गैलेक्सी के साथ जा सकते हैं। आई होप स्टूडेंट कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और स्टूडेंट इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने रेसनिक, हेलेडे, इरोडोव, एससी और माइन सारे बुक्स के रिव्यू को देख कर लिया है, जिसके लिंक आपको नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इनफैक्ट हम लोगों ने उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, इरोडोव वगैरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर्स को भी हम लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो सारे वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे चैनल के लिए कि यहाँ पर आपको एससी वर्मा और एनसीईआरटी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वैसे स्टूडेंट जो जेई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और ऑल्सो या फिर जो नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके डिटेल सॉल्यूशन मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो वैसे स्टूडेंट जो भी
एनसीईआरटी और एससी ओरमॉड को फॉलो कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अगेन आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।